हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल अंकित टेक्निकल पॉइंट में। ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा चलेंगे अपने सेट की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास टाइम पर पहुँचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं अपने सेट की तरफ जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए शामली, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी आगरा या ऑप्शन डी मथुरा। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, शामली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दे रखा है उसने, क्या कह रहा है वो इसमें कह रहा है माल और सेवाएँ कर GST पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आगरा या ऑप्शन डी बिहार। ठीक है, तो अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आगरा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी नंदलाल, ऑप्शन सी धर्मपाल या ऑप्शन डी देवपाल। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, धर्मपाल। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते जाएँ और लाइक करते जाएँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ दे रखा, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया है निर्वाह खेती, ऑप्शन बी किचन गार्ड, ऑप्शन सी झूम खेती या ऑप्शन डी रोपण खेती। ठीक है, तो आपको अगर इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, झूम खेती। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में वो कह रहा है, नेप्च्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए पृथ्वी को, ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हो गए, ऑप्शन बी मंगल को, ऑप्शन सी प्लूटो को या ऑप्शन डी जुपिटर को। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, पृथ्वी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलेंगे। वीडियो को शेयर करते चलें जिससे कि और लोगों को भी सपोर्ट मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है। देखो, मैंने पहले भी कहा है और वीडियो में कि इस पर नहीं पर विशेष ध्यान देना है कि गैस नहीं है। ठीक है, तो निष्क्रिय गैस नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है क्रिप्टन, ऑप्शन बी ऑर्गन, ऑप्शन सी जेनोन, ऑप्शन डी क्लोरीन। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्लोरीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर सेवन में कह रहा है, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक का नाम पूछ रहा है, कौन है। ऑप्शन ए महाश्वेता देवी, ऑप्शन बी रस्किन ब्रांड बॉन्ड, ऑप्शन सी एनिड प्लाटम या ऑप्शन डी ओलिविया फ्रेसर। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महाश्वेता देवी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में क्या कह रहा है, खालिस्तान गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। ऑप्शन ए संगीता पाल देवी, ऑप्शन बी संपत पाल देवी, ऑप्शन सी शीला पाल देवी, ऑप्शन डी निशी चौधरी। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संपत पाल देवी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ चलते हैं जिसमें क्या कह रहा है वो।
क्वेश्चन नंबर 9th में कह रहा है, मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध हैं और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान प्रथा बनाया है, ठीक है, अलग स्थान बनाया है। ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी हीरा या ऑप्शन डी स्टील, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पीतल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड या ऑप्शन डी रूस, ठीक है। तो दोस्तों इसका अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यूजीलैंड। तो वोट डालने की सबसे पहले अनुमति किसने दी थी? न्यूजीलैंड ने महिलाओं को अनुमति दी थी, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है, नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी दिल्ली चलो आंदोलन या ऑप्शन डी बहिष्कार आंदोलन, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते चलें जिससे कि और लोगों को भी सपोर्ट पहुंचता रहे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, भारत संविधान के भाग 4 में खालिस्तान विवरण प्रस्तुत है, किसका है? ऑप्शन ए मूलभूत अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी संघ की न्यायपालिका या ऑप्शन डी संसद, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, जिसमें कह रहा है काली मिट्टी को खालिस्तान भी कहते हैं, रेगुर, ऑप्शन बी ह्यूमस, ऑप्शन सी बांगर, ऑप्शन डी क्रिस्टलिए, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुर, ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। इसमें क्या कह रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय SBPUAT भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के खालिस्तान में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पतंगगर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी सहारनपुर, ठीक है। तो इसका अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरठ इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में खालिस्तान का विवरण प्रस्तुत किया गया है, ऑप्शन ए गुलामी से स्वतंत्रता, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी निजी संपत्ति का अधिकार या ऑप्शन डी विवाह एवं परिवार का अधिकार, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका ए इज द राइट आंसर, गुलामी से स्वतंत्रता, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, जिसमें कह रहा है किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को परिस्थितिकीय स्थायी कृषि आदर्श नमूना के समर्थन हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 2017 का इक्वेटर पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है जिसमें इस्माइल फाउंडेशन, ऑप्शन बी प्रथम, ऑप्शन सी स्वयं शिक्षण प्रयोग या ऑप्शन डी सम्मान फाउंडेशन, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्वयं शिक्षण प्रयोग, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है
प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? ऑप्शन ए दूरी का, ऑप्शन बी गति का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, या ऑप्शन डी भार का। ठीक है, तो आपको आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, मनुष्य की आँख का रंग आँख के खाली स्थान में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए आइरिस, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी फेस, या ऑप्शन डी लेंस। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आइरिस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते चलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन डी मौलाना आज़ाद। ठीक है, तो अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, इसमें कह रहा है, छठी सदी बी सी के छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में छेदी कहा जाता था? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी आग, या ऑप्शन डी जयंती। ठीक है, जयंती। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बुंदेलखंड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन डी पुष्पमित्र। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बृहद्रथ। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो को शेयर करते चलें। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन भारत में जम दिग्न ऋषि का आश्रम जमानिया खालिस्तान में था जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिला में स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गाजीपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, या ऑप्शन डी सीतापुर। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गाजीपुर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23, दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं इसलिए नोट करते जाएं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, राजा हर्षवर्धन ने खालिस्तान में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहदत्त केंद्र की स्थापना की थी। ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी काशी में, ऑप्शन सी कन्नौज में, या ऑप्शन डी हरिद्वार में। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, काशी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए द्वारिका प्रसाद, ऑप्शन बी बिशन नारायण, ऑप्शन सी रघुपति सहाय, या ऑप्शन डी नवल किशोर। ठीक है, तो आपको अगर इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रघुपति सहाय। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? ऑप्शन ए बिरहा, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी चैती, या ऑप्शन डी कजरी। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कजरी। ठीक है, बरसात के समय कौन से गीत गाए जाते हैं? कजरी गीत गाए जाते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, प्रसिद्ध सूफी संत खालिस्तान के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदी कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रति वर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए निजामुद्दीन ओलिया, ऑप्शन बी वारिस अली शाह,
ऑप्शन सी मोइनुद्दीन चिश्ती या ऑप्शन डी सलीम चिश्ती। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बारिश अली शाह। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश में पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को खालिस्तान भी कहते हैं? ऑप्शन ए रोका, ऑप्शन बी पेंडा, ऑप्शन सी दहिया या ऑप्शन डी क्रूगा। ठीक है तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पेंडा। ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कह रहा है, सत्रहवीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? ऑप्शन ए गीत गोविंद, ऑप्शन बी किताब ए नबरस, ऑप्शन सी पाद शाहनामा, ऑप्शन डी मुतखाब उल ताब तबारिक। ठीक है तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, किताब ए नबरस। ठीक है राइट आंसर बी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के खालिस्तान के सम्मान होता है? ऑप्शन ए तराना, ऑप्शन बी ताल, ऑप्शन सी आलाप या ऑप्शन डी तिलाना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आलाप। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर खालिस्तान ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1931 में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन बी होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन सी सीवी रमन या ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। ठीक है तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सीवी रमन। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलेंगे। इसमें कह रहा है खालिस्तान एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली धारा को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फावड़ा, ऑप्शन बी राहट, ऑप्शन सी ढेकली या ऑप्शन डी मोट। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फावड़ा। ठीक है आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी या ऑप्शन डी आत्र ज्वर। ठीक है तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आंत्र ज्वर। ठीक है आगे बढ़ेंगे, वीडियो को शेयर करते जाएं, साथ ही लाइक करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी बोलीविया या ऑप्शन डी पेरू। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बोलीविया। ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। प्रधानमंत्री
पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस देश का दौरा किया था? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी श्रीलंका। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भूटान। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी कहाँ पर गए थे? भूटान गए थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की से सीमाएं साझा करता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी बांग्लादेश। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भोपाल नेपाल सॉरी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलेंगे। BIMSTEC एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशियाई एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं जिसका मुख्यालय खालिस्तान में है। ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलंबो, ऑप्शन डी ढाका। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ढाका। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर एक नए सेट के साथ। वंदे मातरम, भारत माता की जय।